हमने आपको हुंडई के जो क्रेटा के बारे में, जो हमने प्रीवियस वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेटा के बारे में, या फिर क्रेटा फेसलिफ्ट के जो डिटेल वीडियोस है, वहाँ पे हमने आपको बोला है कि पिछले कुछ टाइम से हमें जो न्यूज़ देखने को मिल रही है क्रेटा के ऊपर, वो थोड़ी सी स्टेबल है। स्टेबल इसीलिए है क्योंकि उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होनी थी अभी की डेट तक, उतनी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ तो हमारे पास जो सोर्सेज है वो थोड़े से रिलायबल है, तो इस वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि उनमें से 85% न्यूज़ जो होती है वो सच होती है। और वो सच है इसीलिए पिछले कुछ दिनों से जो है उसके अंदर ज़्यादा अपडेट्स नहीं निकल कर के आए। और इसका रीज़न, मतलब कि इसका बेनिफिट एक और ये भी है कि नई वाली सेल्टोस जो होगी उसके साथ में भी ऐसा होने वाला है, तो उसके साथ में भी अभी थोड़ी बहुत न्यूज़ आना स्टार्ट हो चुकी है और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यूज़ आती है, तो धीरे धीरे करके ये भी स्टेबल होने वाली है। और जैसे जैसे स्टेबल होती है, आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। बाकी इस वीडियो के अंदर भी यही होने वाला है कि सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में आपको कितनी चीज़ें नई देखने को मिलने वाली है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हो सेल्टोस का, तो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके मुकाबले इस वीडियो के अंदर क्या हमने आपको नया बताया। बाकी चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो फिर आपको रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखा करो बिना स्किप के एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो सब्सक्राइब या फिर अनसब्सक्राइब का। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और हम तो आपको यही बोलेंगे कि प्लीज़ ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोज़ को देखा करो। बाकी एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे सबसे पहले, और सेल्टोस फेसलिफ्ट की बात करेंगे कि उसके अंदर आपको कितनी चीज़ें नई देखने को मिल सकती है। तो एक्सटीरियर के अंदर फ्रंट से बात करेंगे, तो फ्रंट की बात करें सबसे पहले तो ग्रिल आती है, और ग्रिल के अंदर बात करें तो हमने ऑलरेडी गाड़ी को ग्लोबल मार्केट के अंदर देखा है, तो वहाँ पे हमने ये भी देखा है कि गाड़ी के एक्सटीरियर के अंदर ग्रिल में बहुत मिनिमल चेंजेस है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नई वाली जो ग्रिल आती है वो भी सेम ही है, लेकिन उसके अंदर आप डिटेलिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हल्के फुल्के जो डिटेलिंग के अंदर चेंजेस है वो उन लोगों ने किए हैं। तो इस वजह से ऐसा ही सेम केस आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। फ्रंट की जो हेडलैम्प्स होगी वो आपको चेंज देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ट्विक्स, तो उसके अंदर आपको ट्विक्स देखने को मिलेंगे। अभी वाली सेल्टोस के अंदर जो DRL आती है वो हेडलैम्प्स के ऊपर से रन करती है, और जो किया का लोगो है उसके नीचे आपको बोनेट के बीच में, मतलब कि वहाँ पे मर्ज होती है। लेकिन नई वाली सेल्टोस के अंदर वो जो DRL होगी वो हेडलैम्प्स के नीचे से रन करेगी। अगर आपने वो पिक्चर्स देखे वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको वो दिखा दिए थे, वहाँ पे हमने आपको दिखाए थे, वहाँ पे आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। बाकी फ्रंट का बम्पर पूरा चेंज होगा, फॉग लैम्प्स की डिज़ाइन चेंज होगी, वहाँ की जो मतलब कि फॉग लैम्प्स का प्लेसमेंट जो होगा वो भी चेंज हो सकता है। बाकी रियर की बात करें, लेकिन उसके पहले साइड से बात करेंगे, तो साइड प्रोफाइल के अंदर आपको टायर साइज सेम देखने को मिलेगी, डायमेंशंस भी सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन आपको चेंज देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बात की जाए रियर की, तो रियर के अंदर आपको टेल लैम्प्स के अंदर ट्विक्स देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे आपको ऑलरेडी अभी इंडिया के अंदर हमें क्रेटा के साथ में देखने को मिलते हैं कनेक्टेड टेल लैम्प्स, तो ऐसे हमें नई वाली सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंटली अच्छा और इंटरेस्टिंग चेंज होने वाला है, जो कि दूर से देखने पर भी आपको पता चलेगा कि नई वाली सेल्टोस है। बाकी रियर का बम्पर भी सेम ट्रीटमेंट के साथ में आएगा एज कम्पेयर टू दी फ्रंट बम्पर, तो वहाँ पे भी ऐसी कोई सजेस्ट चीज़ नहीं होने वाले। बाकी गाड़ी के साथ में फाइनली अभी 360 डिग्री कैमरा तो आ ही रहा है, लेकिन लेवल 2 का एडास भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सटीरियर के बारे में, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले, तो सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में इंटीरियर के अंदर कितने चेंजेस होंगे। सबसे पहला चेंज मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिसके लिए ऑलमोस्ट सभी इंडियंस जो होंगे वो बेकरार थे और वेट कर रहे, तो वो होने वाला है पैनोरामिक सनरूफ। तो आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलने वाला है, और वो भी वॉइस असिस्टेंट के साथ में होगा, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी होगा, और लेवल 2 का एडास भी होगा। तो बहुत सारे टेकी फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं गाड़ी के साथ में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल होगा, अभी जो आ रहा है उसको हटा दिया जाने वाला है, और फुल डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिलने वाला है। और ऐसे न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं जो मतलब कि जैसा हमने स्पोर्टेज के साथ में देखा है, US वाली स्पोर्टेज के साथ में, वैसा ही सेम यूनिट हमें नई वाली सेल्टोस के अंदर इंडिया में देखने को मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो वो एज इट इज़ सेम रहने वाले है, कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर UI और थीम को कस्टमाइज़ किया जाएगा, जिस वजह से फ्लूडिटी इंफोटेनमेंट सिस्टम की और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, तो वो भी एक बहुत तगड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। बाकी गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारे मतलब कि बर्बर के लेदर के इस्तेमाल किए जाने वाले, तो इस वजह से इंटीरियर भी आपको बहुत ज़्यादा प्लश नज़र आने वाला है।
फ्रंट की दोनों सीटें जो होगी वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगी, फ्रंट की दोनों सीटें जो होगी वो वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में आएगी, ड्राइवर सीट जो होगी वो मेमोरी फंक्शन के साथ में आएगी, लेकिन सिर्फ क्रेटा मतलब कि सॉरी सेल्टोस के GT लाइन और X लाइन के वेरियंट के अंदर। क्रेटा मैंने आपको इसीलिए बोला क्योंकि क्रेटा के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो होगी वो ड्राइवर सीट ही आने वाली, तो इसीलिए हमने आपको क्रेटा के बारे में ऑलरेडी बताया अभी। बाकी रियर की सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे, रियर एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, रियर की विंडो के ऊपर दोनों रिट्रैक्टेबल सनशेड देखने को मिलेंगे और सेफ्टी के भी 6 एयरबैग्स आपको एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत तगड़ी चीज़ें आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में भी देखने को मिलने वाली है। अब इंटीरियर के अंदर फीचर्स तो बहुत हैं लेकिन गिनाए जाएंगे तो ये वीडियो कम पड़ेगा, तो इस वजह से हम उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाले। चैनल पे नए हो तो उसकी वजह से मतलब कि उसी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ेंगे और इंजन ऑप्शंस और गियरबॉक्स ऑप्शंस की बात करने वाले कि वहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहला चेंज यही है कि नई वाली सेल्टोस के इंजन और गियरबॉक्स के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, और ऐसा इसीलिए होने वाले क्योंकि अभी के टाइम पे मतलब कि आज के डेट के ऊपर जितने इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन किया मोटर्स अपनी सेल्टोस के साथ में प्रोवाइड करती है उतने ऑप्शंस पूरे मतलब कि सेगमेंट के अंदर और कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट के साथ में प्रोवाइड नहीं करती है। तो इस वजह से बेसिक चीज़ यही है कि किया को भी कोई नीड्स नहीं है सेल्टोस के साथ में वहाँ पे कोई नया एडिशन या फिर रिमूवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से एज इट इज़ जैसा कॉम्बिनेशन आपको अभी देखने को मिल रहा है सेल्टोस के साथ में वही सेम कॉम्बिनेशन आपको नई वाली सेल्टोस फेसलिफ्ट के साथ में भी देखने को मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस। नो डाउट इंटरनल चेंज हो सकता है मतलब कि 6 फीट के IMT को पेट्रोल डीजल के साथ में प्रोवाइड कर दिया या फिर कुछ वेरिएंट के साथ में और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल होगी, लेकिन एडिशन कोई पर्टिकुलर एडिशन या फिर रिमूवल जैसी चीज़ आपको गाड़ी के साथ में देखने को नहीं मिलने वाले। तो ये सारी चीज़ें बाकी खैर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो जो कि होने वाले लॉन्च डेट और प्राइसिंग जो कि आप दोनों के मतलब कि दोनों ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करने वाले हैं तो 11-21 लाख एक शोरूम, ऑन रोड होगी 23 या फिर 22.5 लाख ऑन रोड जाने वाली है, 22.5 लाख ऑन रोड। एडास की प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनने वाला है, बाकी उसके ऊपर अभी रिसर्च चालू है, जैसे ही एडास की प्राइसिंग हमें देखने को मिल जाती है आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बन जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ेंगे और लॉन्च की बात करेंगे तो लॉन्च एक्सपेक्ट की जा रही है कि समवेयर अराउंड October 2023। अब उसके ऊपर डिपेंड ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्रेटा की लॉन्च कब होती है, तो जैसे क्रेटा की अनविलिंग चेंज होगी वैसे ही सेल्टोस की भी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से दोनों का ही मॉनिटरिंग अच्छे से करना पड़ता है और रिसर्च करनी पड़ती है। बाकी आपको सिर्फ इतना करना है कि बिना स्किप किए वीडियोस को पूरे देखना है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है। बाकी ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, प्लेलिस्ट को रेफर करो ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।